हेलो डियर फ्रेंड्स आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें नेटवर्क डन पूछा गया है ऑल इंडिया प्रियमटि प्रिलियम्स 2007 का क्वेश्चन था क्वेश्चन ये कहता है कि वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल टेबल है यहाँ और इस टेबल पे एक स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग इस तरह से फिक्सड की गई है और यहाँ पर बॉल ऑफ मास एम एट अ हाइट एच अबाउट द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली इस पर एक बॉल आके गिरती है और ये जो बॉल है यहाँ से एच हाइट पर है और यहाँ से बॉल गिरती है ओब्वियसली आएगी तो उसको कंप्रेस करेगी सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस बाई डिस्टेंस डी आपको बोल रखा है कि डी डिस्टेंस तक इसने इसको कंप्रेस किया है वर्क डन इन द प्रोसेस तो इस पूरे प्रोसेसिंग में नेट वर्क डन कितना हुआ देखो मेरे पास में बॉल यहाँ थी देन फिर फाइनली बॉल यहाँ पर आ गई अब जब ये यह बॉल यहाँ आई तो नेट वर्क डन कितना हुआ वर्क डन इज इजिकल टू क्या होता है आपका जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके लिए मैं क्या करूंगा इनिशियल एनर्जी निकाल लूंगा कितनी है और फाइनल एनर्जी निकाल लूंगा इसमें जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को मैं लिखूंगा तो वो डिफरेंस ही क्या होगा मेरा वर्क डन होगा तो शुरुआत की एनर्जी लिखी मैंने कितनी थी तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन खींची एक तो रेफरेंस लाइन से ही हम लोग हाइट्स वगैरह मेजर करते हैं तो अगर मैं देखता हूँ कि इनिशियली मेरे पास कौन सी एनर्जी थी तो मैंने देखा कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो स्प्रिंग के पास में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई थी और ये एनर्जी थी आपकी एम फाइनली जब इधर कंप्रेस होकर ये यहाँ तक आ चुकी है तो रेफरेंस लाइन से नीचे जा चुका मेरा ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस एम बट स्प्रिंग कंप्रेस हुई स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो स्प्रिंग में भी हाफ की एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू डी हो जाएगी हाफ के डी स्क्वायर अब मेरे पास इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जी है इनको मैंने घटा दिया एम में से मैंने इस एनर्जी को इनका डिफरेंस निकाल लिया तो ये हो जाएगा एम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एम एंड ये माइनस हाफ के डी स्क्वायर तो एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर and this is the correct answer of this question okay thank you so much and god bless you